आप देख रहे हैं द एंगल, मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जान से जुट गए हैं। इसके लिए सरकार एक तरफ तो बजट के लीकेज को रोकते हुए बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में निजी क्षेत्र से निवेश लाने की कोशिश भी की जा रही है और ऐसी ही एक कोशिश अभी हाल ही में की गई। इसके बाद राजस्थान में विकास की उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं। दिल्ली में आयोजित हुए इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट में प्रदेश में निवेश के करीब 78,000 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। प्रदेश की नवनियुक्त उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की मौजूदगी में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक अनुमान के मुताबिक इन समझौतों के जरिए प्रदेश के करीब 1.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। राजस्थान में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार लगातार काम कर रही है और अपनी नीतियों के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने में लगी हुई है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 में हुए हजारों करोड़ के समझौते घीलोड़, भिवाड़ी, नीमराणा, जयपुर, उदयपुर, अलवर सहित कई जिलों में होगा निवेश। निवेशक इन क्षेत्रों में स्थापित करेंगे औद्योगिक इकाइयां। रीको की ओर से यहां विशिष्ट सेक्टोरल जोन किए जा चुके विकसित। इससे पहले दुबई एक्सपो 2021 के दौरान राजस्थान सरकार के साथ 38,000 करोड़ के MOU हुए थे। यानी कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार एक तरफ तो बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दे रही है, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बनाने में जुटी हुई है। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश का विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा।